जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब विद अंकित पर। दोस्तों, इसके पहले कि हमने KBS का वीडियो बनाया था सिलेबस पे, इस पर हमें बहुत से कमेंट देखने को मिले, जिसमें पूछा गया था रिटन एग्ज़ाम कब होगा, स्किल टेस्ट डेट सेम दिन होगा कि अलग होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, और टाइपिंग कब होगी, उसके बाद स्किल टेस्ट टाइपिंग CPT एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है, दोनों साथ होंगे अलग अलग होंगे, किस फॉर्म में टाइपिंग होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, और कौन सी बुक से पढ़ें, कंप्यूटर के लिए कौन से बुक पढ़े हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में आपको सब कुछ बताएंगे, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होने वाला है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 से लेकर 5 मार्च के बीच आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है। 1 से 5 मार्च के बीच इसका एग्ज़ाम होगा। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का, जैसा कि आपको पता ही होगा, इसकी डेट डिक्लेयर कर दी गई है 1 से 5 मार्च के बीच आपका इसका एग्ज़ाम होने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम आपका होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड CBT यानी कि आपका पेपर जो होगा वो ऑनलाइन होगा। स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट कब होगा? देखिए, आपका 1 से 5 मार्च के बीच एग्ज़ाम होगा, ठीक। तो मान के चलिए मार्च लास्ट तक आपका, लास्ट वीक में आपका इसका आंसर किया आएगा। लास्ट वीक में अगर आंसर किया जाती है, और तो अप्रैल के मान के चलिए अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपका इसका, या फिर सेकेंड वीक में आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर आपको जो समय मिलेगा, लगभग 15 से 20 दिन का समय मिलेगा, यानी कि अप्रैल लास्ट या फिर आपका मई फर्स्ट वीक में आपका इसकी टाइपिंग प्लस CPT होगा। सबसे टाइपिंग CPT क्या होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, टाइपिंग प्लस CPT कितने नंबर का होगा? तो ये टाइपिंग प्लस CPT आपका, टाइपिंग के नंबर नहीं है, लेकिन CPT के आपके 100 नंबर हैं। CPT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, इसमें आपके MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट और इंटरनेट से सवाल आपके पूछे जाएंगे, और यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है। आपको जो 100 नंबर पूछा जाएगा, इसमें 40% नंबर लाने ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे CPT की टाइमिंग कितनी होगी, तो CPT की टाइमिंग 45 मिनट की होने वाली है। टोटल आपका 1 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपकी टाइपिंग प्लस आपका ये पेपर ये होने वाला है, दोनों इसी में समाहित रहेंगे। 45 मिनट का आपका CPT होगा। CPT में देखिए, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे MS वर्ड से, एक्सेल से, पावर पॉइंट से, MS एक्सेस से, इंटरनेट से आएगा। ये सारे टॉपिक, 5 टॉपिक यहाँ पे, पाँचों से आपके 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, तो ये हो जाएगा 100 क्वेश्चन, जो कि आपको 45 मिनट में करने हैं। ये सारे जो टॉपिक हैं कंप्यूटर के, इनको हमने अपनी किताब में समाहित किया हुआ, अभी मैं आपको बताता हूँ। स्किल टेस्ट आपने देख ही लिया, 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा, 40% आपको उसमें लाने हैं। टाइपिंग आपकी हिंदी अथवा है, तो आप दो में से एक कोई भी कर सकते हैं, चाहे हिंदी करिए चाहे इंग्लिश करिए। इंग्लिश में आपको 35 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। टाइपिंग से संबंधित हमने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें देख के टाइपिंग सीख सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताएंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे टाइपिंग से संबंधित। अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग, तो इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग।
आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग दोनों में नहीं है। कंप्यूटर के लिए बुक कहाँ मिलेगी? कंप्यूटर के लिए बुक हमने यहाँ पे रखी हुई है, आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये बुक है कंप्यूटर की, जिसे हमने खुद आपके लिए बनाया है स्पेशल। ये आपके KVS और अभी SSC CGL का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी के लिए यहाँ पे उसी बेस्ड पे आधारित है। इसमें आपके सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस पे बनाई गई है। पिक्चोरियल फॉर्म में यहाँ पे पिक्चर भी हमने इसमें समाहित किए हैं, जहाँ पे ज़रूरत है पिक्चर दिखाने की वहाँ पे हमने पिक्चर को भी दिखाया हुआ है। ये सारे टॉपिक हैं, इसमें आपके जो भी टॉपिक पेपर में पूछे जाने हैं वो सभी इसमें दिए गए हैं। आपके प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए आपकी रामबाण साबित हो सकती है। इसमें देखिए आप टॉपिक के साथ साथ इसमें हम 525 वैकल्पिक क्वेश्चन को भी रखे हुए हैं। अब थोड़ा सा मैं और आपको अंदर दिखाना चाहूँगा, ये अंदर का दृश्य है, डिटेल में आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए इमेज इमेज आप दिख रहे हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई गई हैं ज़्यादातर इमेज के फॉर्म में रखी गई हैं, जिससे कि आप इमेज से आसानी से समझ सकें। बाकी की चीज़ें अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा देखने को। यहाँ पे देखिए सब हम इमेज के फॉर्म में, जहाँ जहाँ जो चीज़ें आपको समझानी थी, किस तरह से समझाना है, एमएस वर्ड को, हमने पावर पॉइंट को, सब चीज़ों को अच्छे से आपको इसमें डिफाइन किया है। देखिए अगर आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है इंटरनेट के समझाने के। यहाँ पे हमने उसके बाद आपको लास्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखने को मिलेगा, इसमें आपको यहाँ पे हाईलाइट करके इसका आंसर भी दिया गया है। और आपको यहाँ पे कुछ अगर पूछना है तो आप हमें टेलीग्राम पे या फिर हमारे यूट्यूब चैनल, हमने एक नंबर भी दे दिया है आपको ऊपर, उस नंबर पे आप यहाँ पे व्हाट्सअप करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व भी करा सकते हैं। बाकी ईमेल आईडी, टेलीग्राम का लिंक हमने यहाँ पे दिया ही है। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से ले सकते हैं। इसकी फ़ीस हमने वैसे तो 99 थी, लेकिन इसको हमने कम करके 15 रुपये मात्र कर दिया है, जो कि नॉमिनल आपकी फ़ीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना कोई भी पेमेंट कर सकता है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हम मुझे इतना भी नहीं कर सकता तो फिर मैं आपको PDF भेज दूंगा। बाकी क्योंकि मैं PDF बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इस वजह से थोड़ा सा जो मेहनत लगी है उस पर थोड़ा सा उसका जो रिटर्न है, अगर उन्हें नहीं मिलेगा तो दोबारा फिर हमें मेहनत करने में प्रॉब्लम होगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पुस्तक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।